हेलो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट। आज मैं आपको सुनाऊंगी एकलव्य, एक वीर बालक की कहानी। आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। ये कहानी है बहुत पुरानी, महाभारत के टाइम की। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए वह महागुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे तीरंदाजी सीखने के लिए अनुरोध किया। लेकिन महागुरु द्रोणाचार्य ने उसको साफ मना कर दिया, क्योंकि वह भीष्म पितामह को वचन दे चुके थे कि वह केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। यह बात सुनकर एकलव्य को बुरा नहीं लगा। उसने तो पहले ही द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। वह जंगल में गया। एकांत में जाकर उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को प्रेरणा समझकर तीरंदाजी सीखने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एकलव्य एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव के साथ जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। थोड़ी देर बाद कुत्ता आगे निकल गया और वहां पहुंच गया जहां एकलव्य तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। उसके फटे कपड़े और खुले बालों को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने सोचा कि मैं कुत्ते को ऐसे मारूं कि इसको चोट भी ना लगे और इसका भौंकना भी बंद हो जाए। एकलव्य ने 7 बार कुत्ते के मुंह में मार दिए। कुत्ता वापस गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसकी ये हालत देखकर कौरव और पांडव सब हैरान हो गए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि इस कुत्ते के मुंह में जिसने ये 7 बार डाले हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर है। गुरुजी, आपने तो कहा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर मैं बनूंगा, तो ये कौन है? अर्जुन की बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने निश्चय किया कि वो इस बालक से मिलेंगे। चलते चलते वो एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य ने जैसे ही उन्हें देखा, वो बहुत खुश हो गया और वो सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पैरों में गिर गया और कहा, आप तो मेरे गुरु हो। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी एकलव्य को पढ़ाया ही नहीं। एकलव्य ने उनको समझाया और ये बताया कि वो रोज मिट्टी की मूर्ति के सामने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा समझता है, जिस मूर्ति को उसके सामने प्रत्येक दिन तीरंदाजी करता है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को ये डर था। जब उन्होंने एकलव्य की उपलब्धियों के बारे में जाना, तो उन्हें पता था कि एकलव्य अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ निकलेगा। बहुत सोच समझकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उत्तर दिया कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तो मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? यह सुनकर एकलव्य ने अपने प्राण देने तक की बात की। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के पैरों में रख दिया। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकलव्य से कहा, एकलव्य, तुम्हें सदैव तुम्हारी गुरु भक्ति के लिए जाना जाएगा। हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हारी जैसी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति आज तक किसी बालक ने नहीं दिखाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं होता। बच्चों, मुझे पूरी आशा है आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।